ડીસા માટે મોટા આનંદના સમાચાર છે કે રાજ્યસભા સાંસદ અને બનાસકાંઠાના પત્ની દિનેશભાઈ અનાવાડિયાએ એરપોર્ટને લગતો પ્રશ્ન રાજ્યસભામાં ઉઠાવ્યો છે અને ગૃહમાં ઉપાધ્યક્ષ સમક્ષ રજૂઆત કરી છે કે જો ડીસાનું એરપોર્ટ ચાલુ થશે તો ઉત્તર ગુજરાત સાથે દક્ષિણ રાજસ્થાનના વેપારીઓને પણ હવાઈ પ્રવાસને લગતી તકલીફો થતી હોય તેનો અંત આવશે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ना तेमज गुजरात ना एरपोर्ट ना विकास माटे खूब ज आवकारदायक पहल करी चुक्या छे, जेमा तेमना नेतृत्वनी सरकारे नागरिक उड्डयन क्षेत्र तेमज उड्डयन माळखानो विकास करवाना हेतुथी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 मां रिजियोनल कनेक्टिविटी स्कीम ने प्रोत्साहित करी छे। गुजरात मां आ कनेक्टिविटी स्कीम अंतर्गत भावनगर, भूज, जामनगर, सूरत, पोरबंदर, मेहसाणा, मांडवी, अमरेली, कंडला, केशोद तेमज डीसा खातेना एरपोर्ट जे अनसर्व्ड अने अंडर सर्व्ड केटेगरी मां आवे छे तेनो विकास करवानुं ध्येय राखवामां आव्युं छे। एवी थोड़ा वर्षो अगाउ जाहेरात पण कराई हती, जो के आ जाहेरात बादनी कामगीरी कोईपण वहीवटी अथवा सरकारी नोटिफिकेशन अमलीकरण बाबतमां आगळ नथी वधी। त्यारे राज्यसभा सांसद दिनेशभाईए समग्र उत्तर गुजरातना आ प्रश्ने योग्य स्टेज पर રાજ્યસભામાં રજૂઆત કરતા હવે ડીસા એરપોર્ટ ધમધમતું થવાનું સ્વપ્ન પુનઃ સાકાર થતું દેખાય છે। ઉલ્લેખનીય છે કે અહીં વર્ષો પહેલા અંબિકા એરલાઇન્સ શરૂ પણ કરાઈ હતી, જો કે દાયકાઓ પહેલા પેસેન્જરનો ઓછો ફ્લો હોવાથી તે બંધ કરાઈ હતી। ધન્યવાદ માન્ય સભાપતિ મહોદયજી, મેં ધન્યવાદ કરતા હું માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજી કા, ઉન્હોને ઉડે દેશ કા આમ આદમી आम नागरिक उड़ान योजना शुरू की है, उससे देश में आम आदमी को विमानी सेवा का लाभ मिला है। गुजरात में मेरा गृह जिला बनासकांठा के डीसा एयरपोर्ट बंद हालत में पड़ा है। मेरा जिला राजस्थान की बॉर्डर और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ जिला है। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, पाटन, अरावली, साबरकांठा, मेहसाणा और दक्षिणी राजस्थान के सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली जिलों में विमान की सेवा उपलब्ध नहीं है। मेरे बनासकांठा जिले में 52 शक्तिपीठों में से एक बड़ा शक्तिपीठ अंबाजी माता जी का मंदिर है, जहां बहुत सारे लाखों दर्शनार्थी माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। उन्हें विमानी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु और यहाँ के व्यापारी हीरा उद्योग, कपड़ा उद्योग और मेटल उद्योग से जुड़े हुए हैं और भारत भर में फैले हुए हैं। उनको विमानी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु यह एयरपोर्ट चालू करना बहुत जरूरी है। आज़ादी के बाद अंबिका एयरलाइंस की विमानी सेवा यहाँ चालू थी, जो मुंबई, डीसा, जोधपुर की हवाई सेवा देती थी। करीब 1985 से 90 के बीच वायुदूत एयरलाइंस ने भी यह एयरपोर्ट चालू करने की कोशिश की थी और ओपनिंग करने के बाद कार्यरत नहीं हो पाया था। इस एयरपोर्ट से पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीक है, सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एयरपोर्ट चालू करना जरूरी है। इस एयरपोर्ट का रनवे तैयार है, बाउंड्री वॉल भी तैयार है और पुरानी बिल्डिंग भी है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि डीसा का एयरपोर्ट चालू करके उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के आम आदमी को विमानी सेवा उपलब्ध करवाए। एयरपोर्ट नो इतिहास जोईए तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ना समय नो अंदाजित 41 वर्ष जूनू एयरपोर्ट छे। अहीं पहला अंबिका एयरलाइंस द्वारा एर प्रवास सेवाओ चालू कराई हती, परंतु 40 वर्ष अगाउ आटलो विकास थयेलो न होवाथी आ एर सेवा बंद थई हती। આમ બનાસકાંઠાના ડીસાનું આ એકમાત્ર એરપોર્ટ છે જે છેલ્લા 4 દાયકાઓથી ખંડેર હાલતમાં છે। આ એરપોર્ટને જોઈને તરત જ મગજમાં આવે કે યહ ખંડેર બતા રહા હૈ કે યહાં ઇમારત કભી બુલંદ થી। જૂના એરપોર્ટના અનેક અવશેષો સાથે રનવે તેમજ એરપોર્ટ વોલ, જૂનું મકાન આજે પણ હયાત છે। અહીં દાયકાઓથી નેતાઓ અને તમામ આવતી જતી પોલિટિકલ પાર્ટીઓના દાવાઓ અને વચનો પોકળ સાબિત થયા છે। ત્યારે રાજ્યસભા સાંસદ દિનેશભાઈ અનાવાડિયાની રાજ્યસભા ગૃહમાં એરપોર્ટ બનાવવાની માંગ પુનઃ ઉત્તર ગુજરાતવાસીઓ માટે અહીં વિમાની સેવાઓના સ્વપ્નને સાકાર કરશે। ગુજરાત તક માટે બનાસકાંઠાથી સહયોગી ધનેશ પરમારનો અહેવાલ।